हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जिसका वेटेज बताने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम में यहाँ से कितना आता है। एग्ज़ाम में फ्रेंड यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। इससे पहले वाली जो वीडियो फ्रेंड जो अपलोड हो गई थी उसमें क्या हुआ था, कुछ दिक्कत आ गई थी, ठीक है ना। वॉइस की कुछ दिक्कत थी उसमें, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाई थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। जल्दी से रिवीजन क्लासेज हैं सारी, ठीक है। ये जो सारी जो क्लासेज हैं ना, जो सॉइल मैकेनिक्स की जो क्लासेज हैं सारी, ये क्या है फ्रेंड, एक तरह की रिविज़न क्लासेज हैं। कैसी क्लासेज हैं? रिविज़न, आपका रिविज़न हो जाएगा बस, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। चलिए तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं पहले तो ये बताइए, ठीक है। तो कोई भी इंजीनियर अगर होता है और कि उसको कोई भी ब्रिज बनवाना हो, कोई भी डैम बनवाना हो, या फिर कोई भी उसको बिल्डिंग बनवानी हो, तो सबसे पहले वो सॉइल की टेस्टिंग करता है, ठीक है। विदाउट सॉइल की टेस्टिंग किए बिना आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा सकते, ठीक है। उस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, उस सॉइल का टेक्सचर कैसा है, क्या उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्ले के पार्टिकल तो नहीं है, या उसका सैंड तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है, या फिर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कोई भी निर्माण कार्य कराने से पहले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हर किसी इंजीनियर को सॉइल मैकेनिक्स का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे वाटर कंटेंट निकलता है, ठीक है, कैसे डेंसिटी निकालते हैं, वॉइड रेशियो क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉइड रेशियो ज़्यादा होने से क्या होगा, वॉइड रेशियो कम होने से क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमको ज़्यादा डेंसिटी चाहिए, ठीक है, या डेंसिटी ज़्यादा चाहिए या डेंसिटी कम चाहिए, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। जब तक आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल सा इंट्रो था। चलिए तो देखिए, आप डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है सॉइल मैकेनिक्स, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या होती है सॉइल मैकेनिक्स? तो सॉइल, पहली बात तो सॉइल किससे बनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्या करते हैं इसमें हम लोग, सॉइल की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब एक पॉइंट और लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सॉइल इज डिफाइंड एज द सॉलिड पार्टिकल। सॉइल इज डिफाइंड एज द सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय, अब ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, तो सॉइल किससे मिलके बनी होती है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से मिलके बनी होती है। ठीक है मोइ फ्रेंड, चलिए आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आता है, पूछेगा आपसे कि सॉइल किससे मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड सॉइल किससे मिलकर बनी होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ये यूपी SSSC JEE में आया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, और ये SSC JEE में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सॉइल किसकी बनी होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वॉइड्स। क्या? नेचर ऑफ वॉइड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वॉइड्स। देखिए फ्रेंड, आपको पता है एक होती है टू फेज, ठीक है, एक होता है टू फेज और एक दोबारा होता है थ्री फेज, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मैं आपको वही मेन पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फालतू में आपको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलिए, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्रेंड क्या होता है कि सॉलिड प्लस एयर वॉइड्स, सॉलिड प्लस एयर वॉइड्स, इसके अंदर सॉलिड प्लस वाटर वॉइड्स, ठीक है, और इसके अंदर सॉलिड भी होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सॉलिड्स भी होते हैं, इसके अंदर एयर वॉइड्स भी होते हैं और इसके अंदर वाटर वॉइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वॉइड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर सॉलिड और एयर वॉइड्स होंगे किसी भी सॉइल सैंपल में, सॉलिड होगा और ओनली एयर वॉइड्स होंगे, मतलब एयर होगी, तो वो कैसी सॉइल होगी? वो आपकी होगी ड्राई सॉइल। कैसी होगी? वो होगी आपकी ड्राई सॉइल, ठीक है। और अगर किसी सॉइल के अंदर या सॉइल सैंपल के अंदर सॉलिड और वाटर होगा तो वो कैसी होगी? फुल्ली सैचुरेटेड होगी। कैसी होगी? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। और अगर सॉलिड एयर वॉइड्स एंड वाटर दोनों होंगी, तीनों होंगे, तो उसको कैसे, क्या बोलेंगे फिर हम उसको बोलेंगे? पार्शली सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलेंगे? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। तो आपको यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बताया? ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर तक हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, डेफिनेशन, सॉइल मैकेनिक्स इज अ टर्म ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल की स्टडी करते हैं। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल इज अ डिफाइन एज अ सॉलिड पार्टिकल्स एंड फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ठीक है, हमने ये पढ़ा। आगे आगे चलते हैं, आगे हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो टू फेज, फिर टू फेज, फिर थ्री फेज, ठीक है। टू फेज में सॉलिड है और एयर है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई सॉइल बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर सॉलिड है और वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे, ठीक है। अगर थ्री फेज की बात करें तो सॉलिड एयर वॉइड्स और वाटर है तो उसको पार्शली सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डालिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, चलो देखिए फ्रेंड, पहला पॉइंट डालिएगा, डॉक्टर कार्ल वोन टर्जागी, स्पेलिंग में गलती हो गई, एक सेकेंड,
डॉक्टर कार्ल वोन टर्जागीस इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. पहला तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. तो फ्रेंड डॉक्टर कार्ल वोन टर्जागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है फ्रेंड, अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए. दूसरा पॉइंट लिखिए, सॉइल मैकेनिक्स इज डिफाइंड, सॉइल मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स. मतलब इसमें सॉइल मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और इनकी हाइड्रोलिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट. ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दोनों पॉइंट, ठीक है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ लॉज, सॉइल मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. ठीक है फ्रेंड, चलिए तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट. देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज. तो इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसके जो प्रोसेस को बोला जाता है वो बोला जाता है पेडोजेनेसिस. क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस. यही क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस. आपसे डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड एज. क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरीके से, मैं दोबारा लिख देता हूं. पेडोजेनेसिस. क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस. ठीक है, चलो अब देखिए एक पॉइंट और लिखिए. द सॉइल फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल. अब सॉइल किससे मिलकर बनी होती है? जियोलॉजिकल साइकिल से बनती है. किससे बनती है? जियोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? जियोलॉजिकल साइकिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है. ठीक है, ये क्योंकि सॉइल किससे मिलकर बनी होती है, किस प्रोसेस से मिलकर बनी होती है? जियोलॉजिकल साइकिल से मिलकर बनती है सॉइल. ठीक है, इससे पहले हमने पेडोजेनिस पढ़ा था. पेडोजेनिस ये सॉइल की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेई के पेपर में, इसलिए मैंने ये करा दिया था आपको. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है. क्या होता है? जियोलॉजिकल साइकिल. तो हेडिंग डाल लीजिए जियोलॉजिकल साइकिल. तो क्या होता है जियोलॉजिकल साइकिल, वो देखते हैं क्या होता है जियोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं जियोलॉजिकल साइकिल. तो क्या होता है? ये होता है प्रोसेस.
क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, किस तरीके से सॉइल बनी या बनती है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें टर्म पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होगी सॉइल को बनाने के लिए, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी सॉइल को बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा वेदरिंग, ठीक है, या फिर इरोजन, ठीक है, पहले पे तो ये होगा, ठीक है। अब दूसरे पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, दूसरे पे होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे पे होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। थर्ड पे क्या होगा, थर्ड पे होगा डिपोजिशन, क्या होगा, डिपोजिशन, ठीक है। और फोर्थ पे क्या होगा, अपहीवल। ये फोर प्रोसेस होते हैं किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, कितने होते हैं, फोर प्रोसेस। इन फोर प्रोसेस से ही आपकी सॉइल बनती है। समझ रहे हैं ना आप, मतलब सबसे पहले होगा आपका इरोजन, कोई भी सॉइल है या फिर कोई भी चट्टान है, ठीक है, किसी चट्टान का टूटना, चाहे वो टूटे ग्रेविटी की वजह से, चाहे वो टूटे वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, चाहे वो टूटे अर्थक्वेक की वजह से, चाहे वो टूटे विंड की वजह से, विंड प्रेशर की वजह से, ठीक है, चाहे वो हिल या रेन की वजह से टूटे, होगा तो इरोजन ही ना उस चट्टान का। तो उस चट्टान का जब टूट के जब टुकड़े नीचे आते हैं, तो उसके टुकड़े क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद वो टुकड़े कहीं ना कहीं जमा होते हैं, जमा होने के बाद फिर दोबारा अपहीवल होता है, तो ये प्रोसेस बनता रहता है, तो उससे क्या होता है, सॉइल बन जाती है, क्या होता है, सॉइल बन जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको, तो सबसे पहले क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है, यानी कि इरोजन का, इरोजन को हम लोग कहते हैं अपक्षरण, यानी कि टूट फूट, किसी भी चट्टान की टूट फूट होना, इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। इरोजन के बाद फिर जो जो पत्थर जो टूटते हैं वो कहीं ना कहीं हवा के द्वारा दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे भी सॉइल बनती है। चलिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बना दे रहा हूँ, इरोजन, इरोजन के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन के बाद होगा डिपोजिशन, क्या होगा, डिपोजिशन होगा ट्रांसपोर्टेशन के बाद, और डिपोजिशन होने के बाद क्या होगा, डिपोजिशन होने के बाद होगा अपहीवल, क्या होगा, अपहीवल, अपहीवल के बाद फ्रेंड दोबारा से इरोजन होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल, क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। ये सीक्वेंस में पूछता है इरोजन होगा सबसे पहले या ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वेदरिंग होगी या फिर इरोजन होगा, ठीक है। इरोजन के बाद अब टूट फूट गई चट्टाने या फिर सॉइल, ठीक है, अब वहाँ से टूट फूट होने के बाद इन सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद इनका डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होने के बाद दोबारा से फिर अपहीवल होगा, अपहीवल के बाद दोबारा, अपहीवल का मतलब है दोबारा चट्टान के रूप में बनने लगेगी, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा इरोजन होने लगेगा। तो इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखिए मेन पॉइंट लिखते हैं, वेदरिंग और इरोजन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वेदरिंग या इरोजन, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए वेदरिंग और इरोजन के फ्रेंड दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला मेथड होता है फ्रेंड इसका फिजिकल वेदरिंग, क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग। दूसरा होता है इसका केमिकल वेदरिंग,
ठीक है, तो पहला होता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल वेदरिंग के बारे में। फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है फ्रेंड? देखिए फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, एक सेकेंड, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ये एक तरह की स्प्लिटिंग एक्शन होता है। कैसा होता है? स्प्लिटिंग एक्शन होता है, ठीक है, ऑफ विंड, विंड से बनती है सॉइल, वाटर के बहने से बनती है सॉइल, और आइस के बहने से बनती है, यानी कि फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। या फिर आपका होता है सिस्मिक वेरिएशन की वजह से हो सकते हैं। किसकी किससे बनती है? सिस्मिक वेरिएशन की वजह से होती है, इससे भी सॉइल बन सकती है। ये सारे फिजिकल टर्म ही तो हैं, जैसे कि आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, इनसे कैसे सॉइल बनती है, ठीक है, ठीक है। सिस्मिक वेरिएशंस की वजह से, यानी कि भूकंप भूकंप आने की वजह से भी चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी सॉइल फॉल, उनके चट्टानों की टूट फूट होती है, ठीक है। या फिर चट्टानों में जो प्लांट्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी ग्रोथ की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट ओवर दी रॉक्स, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे फिजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए, और फिजिकल वेदरिंग की अगर बात करें फ्रेंड, तो फिजिकल वेदरिंग से बनने वाली जो सॉइल कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो देखिए, फिजिकल वेदरिंग से बनने वाली जो सॉइल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंड और ग्रेवल, ठीक है। सैंड और ग्रेवल बनती है, किससे बनती है? फिजिकल वेदरिंग से। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंड और ग्रेवल किस प्रोसेस से बनती है, तो फिजिकल वेदरिंग से बनती है, या फिर फिजिकल वेदरिंग में कौन सी सॉइल बनती है, तो सैंड और ग्रेवल, ठीक है। अच्छा, ये सैंड और ग्रेवल जो है, ये फ्रेंड कैसी सॉइल है, ये कैसी सॉइल है? तो ये है कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैंड इज अ कोहेजन लेस सॉइल, कैसी है फ्रेंड? कोहेजन लेस सॉइल है सैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। कैसी है? कोहेजन लेस सॉइल है। और यही अगर आपको क्ले की पूछ ले कि क्ले कैसी सॉइल है, तो ये क्ले जो है वो फ्रेंड कोहेसिव सॉइल है। कैसी सॉइल है? कोहेसिव सॉइल। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग के लिए। किससे पढ़ते हैं? केमिकल वेदरिंग। अब हम पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग। वो हमने फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए, केमिकल वेदरिंग में सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, केमिकल वेदरिंग से जो बनने वाली सॉइल होती है ना, वो होती है आपकी क्ले, क्ले और सिल्ट। केमिकल वेदरिंग से कौन सी सॉइल बनती है? दो सॉइल बनती है, एक बनती है क्ले, एक बनती है सिल्ट। क्लियर हुआ आपको? और ये कैसी सॉइल होती है? ये होती है आपकी कोहेसिव सॉइल, ठीक है। कैसी सॉइल होती है? ये कोहेसिव सॉइल होती है। कोहेसिव का मतलब है इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना फ्रेंड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत होता है, ठीक है। ये होता है कोहेसिव, कोहेसिव, ठीक है। और जो कोहेजन लेस होता है, कोहेजन लेस होती हैं, कोहेजन लेस, तो उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना फ्रेंड, वो ना के बराबर होता है। जैसे कि आप सैंड है, ठीक है, सैंड के जो पार्टिकल हैं फ्रेंड क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, आप उनको हाथ में अगर हैंड में लेंगे तो वो हैंड में नहीं आएंगे फ्रेंड इतनी आसानी से, ठीक है। और ग्रेवल हो गया, ग्रेवल को भी आप हाथ में नहीं ले सकते हो इतनी आसानी से, तो उनको कोहेजन लेस की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। लेकिन यहीं अगर क्ले और सिल्ट की बात करूं, तो ये कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है ना। कैसी सॉइल होती है? कोहेसिव।
इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छा सा टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, दो दो तरह की आपकी सॉइल होती है। एक होती है कोर्स सॉइल, ठीक है, और एक होती है आपकी फाइन सॉइल। समझ में आया, दो तरह की सॉइल्स होती हैं आपकी, एक होती है कोर्स सॉइल और एक होती है फाइन सॉइल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए कोर्स सॉइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है ना फ्रेंड, जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का जो साइज होता है वो ध्यान रखना ज्यादा होता है 0.075 mm से। आई रिपीटेड अगेन, कोर्स सॉइल होती है, पार्टिकल साइज हमेशा ज़्यादा होता है किससे, 0.075 mm, ठीक है। अगर मैं फाइन सॉइल की बात करूँ तो जो पार्टिकल साइज होता है फाइन सॉइल का, वो क्या होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो लेस होता है, कम होता है 0.075 mm से। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अच्छा, कोर सॉइल की अगर बात करते हैं, कोर सॉइल की बात करें, किसकी सॉइल की बात करें, कोर सॉइल की, तो कोर सॉइल के अंदर कौन कौन सी सॉइल आती है, एक आपकी सैंड आती है और एक आपकी आती है ग्रेवल, ठीक है, यही तो आती है दोनों, ठीक है। और जो फाइन सॉइल होती है इसके अंदर आती है सिल्ट और इसके अंदर आती है क्ले, क्लियर हुआ आपको। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से पूरा, ठीक है। हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। कोर सॉइल की बात करें तो पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है किससे, 0.075 mm से, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी कैटेगरी की सॉइल आती है, इसके अंदर सैंड आती है, इसके अंदर ग्रेवल आती है, क्लियर हुआ, ठीक है। यहीं अगर फाइन सॉइल की बात करें तो पार्टिकल साइज छोटा होता है, लेस देन होता है 0.075 mm से, ठीक है। और इसके अंदर सिल्ट आती है और इसके अंदर क्ले आती है, क्लियर हुआ। चलिए क्लियर हुआ ना आपको अच्छी तरीके से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, एक सेकेंड, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल के मूवमेंट के हिसाब से कौन सी सॉइल होती है ये बताइए। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड आता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से कौन सी सॉइल होती है, चलिए हम लोग पता करते हैं। तो दो तरह की सॉइल होती हैं, ठीक है, थीके? एक होती है आपकी रेसिडुअल सॉइल, ठीक है, दूसरी होती है आपकी ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड,
ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझाने की। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रेसिडुअल की सॉइल की अगर मैं बात करता हूं, कौन सी रेसिडुअल सॉइल, तो रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, ये कौन सी सॉइल होती है, तो रेसिडुअल सॉइल होती है रिमेन्स ओवर पेरेंट रॉक। ठीक है, कौन सी होती है, रिमेन्स ओवर अ पेरेंट रॉक डायरेक्टली, मतलब वो सॉइल जहां पे बनी वहीं रह गई। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। क्या बोलते हैं उसको, रेसिडुअल सॉइल बोला जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल क्या होती है फ्रेंड, द सॉइल विच डू नॉट रिमेन। ठीक है, द सॉइल विच डू नॉट रिमेन ओवर अ पेरेंट रॉक। ठीक है, मतलब कोई भी सॉइल अगर उसके ऊपर जहां से बनी वहां से वहां पे नहीं रही, वहां से ट्रांसपोर्ट हो गई थ्रू ग्रेविटी, थ्रू वाटर, थ्रू विंड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। ठीक है, अगर एजेंसीज की बात करूं, किसकी बात करूं, ट्रांसपोर्टेटेड एजेंसीज, किसकी बात करें, ट्रांसपोर्टेटेड एजेंसीज, तो ट्रांसपोर्टेटेड एजेंसीज की अगर मैं बात करूं, चलिए ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रेंड ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ट्रांसपोर्टेड एजेंसी हो सकती है, आप सभी जानते होंगे, विंड, विंड के बाद वाटर, ठीक है, वाटर के बाद आइस, ठीक है, आइस के बाद ग्रेविटी, इससे भी तो होता है ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, और ग्लेशियर्स, तो ये ट्रांसपोर्टेड एजेंसी होती है, विंड से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वाटर से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, आइस से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ग्रेविटी से हो सकती है, ठीक है, और ग्लेशियर से हो सकती है, तो ये सारे ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज हैं। समझ में आई आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स की पढ़ते हैं, और यहां से ये समझ लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन तो आपका आना एग्जाम में पक्का है। ठीक है, चलिए पॉइंट लिखिए, पहला ईओलाइन, एक क्वेश्चन तो 100% तय है यहां से आना। ठीक है, ईओलाइन सॉइल जो होती है, ईओलाइन सॉइल एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ईओलाइन सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ध्यान रखना ये किससे फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड बाय मूवमेंट ऑफ क्या, विंड। किससे बनती है ये, किससे मतलब फॉर्म्ड होती है, तो ये फॉर्म्ड होती है विंड से। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट है एलुवियल, तो एलुवियल सॉइल किससे फॉर्म्ड होती है बताइए, फॉर्म्ड बाय मूवमेंट ऑफ क्या, वॉटर। क्लियर हुआ, ये किससे फॉर्म होती है, वॉटर से फॉर्म होती है।
थर्ड पॉइंट लिखिए कॉलुवियल सॉइल। कॉलुवियल सॉइल किससे फॉर्म्ड होती है? तो कॉलुवियल सॉइल होती है फॉर्म्ड बाय मूवमेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर हो गया, मूवमेंट ऑफ ग्रेविटी। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखिए ग्लेशियस सॉइल। तो ग्लेशियस सॉइल किससे मूवमेंट होती है बताइए? तो ये होती है द मूवमेंट ऑफ फॉर्म्ड मूवमेंट ऑफ ग्लेशियस। ये होती है आइस यानी कि बर्फ की वजह से और ग्लेशियस की वजह से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लेशियस। और इसको एक बार कभी कभी टिल और बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? टिल। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, एक पढ़ते हैं लेकिस्ट्राइन। कौन सी होती है? लेकिस्ट्राइन सॉइल। तो लेकिस्ट्राइन सॉइल में क्या होता है बताइए? लेकिस्ट्राइन सॉइल क्या होता है? फॉर्म्ड इन बॉटम ऑफ लेक। किसमें बनती है? बॉटम ऑफ लेक। जो लेक होती है, जो झील होती है, तो उसकी तली पे जो सॉइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं लेकिस्ट्राइन सॉइल। क्या बोलते हैं? लेकिस्ट्राइन सॉइल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मरीन सॉइल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल क्या होती है फिर? तो बेसिकली ये जो फॉर्म होती है, ये वाली सॉइल, तो ये वाली जो फॉर्म सॉइल होती है वो बेसिकली कहाँ होती है? ये होती है नियर टू द कोस्टल एरिया। नियर टू द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर जो सॉइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं मरीन सॉइल। क्या बोलते हैं? मरीन सॉइल। ठीक है, चलिए एक होती है क्यूमुलोस सॉइल। कौन सी होती है? क्यूमुलोस। तो क्यूमुलोस सॉइल जो बनती है वो फ्रेंड बनती है कहाँ पर? तो वो फ्रेंड बनती है आपकी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर सॉइल के अंदर मिल जाते हैं तो उससे जो सॉइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोस सॉइल। जैसे कि मान लीजिए जो मवेशी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो वो सॉइल की मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरीके की जो सॉइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोस सॉइल। ठीक है, तो उसको क्यूमुलोस सॉइल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए क्यूमुलोस सॉइल। क्यूमुलोस सॉइल से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यूमुलोस सॉइल से। ठीक है, डालिए क्यूमुलोस सॉइल। क्यूमुलोस सॉइल क्या होती है? देखिए फ्रेंड, क्यूमुलोस सॉइल क्या होती है कि द सॉइल विच कंटेन, द सॉइल विच कंटेन सम ऑर्गेनिक मैटर, द सॉइल विच कंटेन सम ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज क्या? क्यूमुलोस सॉइल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको क्यूमुलोस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ क्यूमुलोस सॉइल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्यूमुलोस सॉइल। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्यूमुलोस के? तो एक पहली हेडिंग डालिए फ्रेंड मक, MUCK, मक। देखिए मक क्या होता है फ्रेंड?
द सॉइल डिपॉजिट विच कम्पोज फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर. इसमें जो होता है, इसमें जो मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, फुल्ली डिकम्पोज होते हैं. कैसे होते हैं? फुल्ली डिकम्पोज. कैसे होते हैं? फुल्ली डिकम्पोज होते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल द ऑर्गेनिक मैटर फुल्ली डिकम्पोज, चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको मक टिक करना है. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही फुल्ली डिकम्पोज बोलेगा, यही हाफ डिकम्पोज बोलेगा, यही वन थर्ड डिकम्पोज बोलेगा. आपको फुल्ली डिकम्पोज लगाना है. वो कौन सी सॉइल होती है? मक. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सी सॉइल्स हैं, ठीक है. अब लिखिए पीट. क्या लिखिए? पीट. ये पीट फ्रेंड किससे मिलके बनी होती है? ये फ्रेंड सड़े गले पत्ते होते हैं, पत्ते लीव्स ऑफ ट्रीज, तो उनकी वजह से जो सॉइल बनती है वो पीट होती है, ठीक है. ये भी ऑर्गेनिक कंटेंट ही तो है. ऑर्गेनिक, इसको भी ऑर्गेनिक या क्यूमुलोस सॉइल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है. पीट क्या होता है? इसमें क्या होता है फ्रेंड? इसमें पार्शियली डिकम्पोज होता है. कैसा होता है? पार्शियली डिकम्पोज. ठीक है, बट अप टू सर्टेन डेप्थ. मतलब ये पार्शियली डिकम्पोज होती है लेकिन सर्टेन डेप्थ तक होती है, ठीक है ना फ्रेंड? सर्टेन डेप्थ तक ये पार्शियली डिकम्पोज होती है लेकिन सर्टेन डेप्थ तक होती है. मक क्या होती है? मक फुल्ली डिकम्पोज होती है, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है देखते हैं. ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होती है इन दिस टाइप? इसको भी पार्शली डिकम्पोज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पार्शली डिकम्पोज्ड बोलते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल डेप्थ. इसकी तो बिल्कुल भी डेप्थ नहीं होती, ऊपरी जमीन पे पाई जाती है, ठीक है, या नेग्लिजिबल थिकनेस भी बोल सकते हैं. तो ये तीनों जो हैं ये क्यूमुलोस सॉइल होती है. कौन सी होती है? क्यूमुलोस. तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सी सॉइल होती है. समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये तो क्यूमुलोस सॉइल हो गई. तो आपको दे देगा एग्जामिनर के मक, पीट, ह्यूमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूमुलोस सॉइल. तो आपको पता होना चाहिए सभी क्यूमुलोस होती हैं, ठीक है. ऐसे ही एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा. अभी थ्योरी कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नोट डाल के कुछ मैं जो लिखवा रहा हूं वो आप लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. नोट डाल के लिखिए. देखिए फ्रेंड, एक होती है मार्ल, एक सॉइल होती है मार्ल सॉइल. तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, जो मार्ल सॉइल होती है ना फ्रेंड, इसको बोलते हैं फ्रेंड हम लोग मरीन सॉइल. क्या बोलते हैं? मरीन सॉइल. कैसी होती है ये? मरीन सॉइल होती है, ठीक है. विच कंटेन सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. मतलब इसमें जो सॉइल, जो सॉइल होती है इसमें कंटेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है. ये मार्ल होती है बेसिकली, ये बेसिकली मरीन सॉइल होती है और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट होता है. किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है. यानी कि चूना चट्टान, चूने की जो चट्टान होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, लुइस, एल ओ ई डबल एस. ये कौन सी सॉइल होती है भाई? देख लेते हैं कौन सी सॉइल होती है, अभी पता चल जाएगा कौन सी सॉइल होती है. तो ये फ्रेंड क्या होती है? ये सिल्ट डिपॉजिट होती है, ठीक है, एंड
फॉर्म्ड बाय विंड मूवमेंट। अब आप बोलोगे कि सर आपने विंड मूवमेंट से ईओ लाइन सॉइल बताइए, तो ईओ लाइन सॉइल भी फ्रेंड विंड मूवमेंट से होती है और लुइस टाइप की सॉइल भी विंड मूवमेंट से ही होती है। तो एलू ईओ लाइन भी दे सकता है और लुइस भी दे सकता है एग्जामिनर आपको, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक होती है टालस, ठीक है, टालस की बात करते हैं। टालस तो ये जो सॉइल होती है ना फ्रेंड, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? कॉलुवियल सॉइल होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये किसकी वजह से फॉर्म्ड होती है? फॉर्म्ड बाय किसकी वजह से बनती है? ग्रेविटी। फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटी, ये बेसिकली ग्रेविटी। अब आपने बोला था कि ग्रेविटी की वजह से कॉलुवियल सॉइल बनती है, तो कॉलुवियल सॉइल भी बनती है और टालस भी बनती है, दोनों बनती हैं, ठीक है। कॉलुवियल सॉइल भी बनती है और टालस भी बनती है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डालिएगा, फोर्थ पे डालिएगा बेंटोनाइट। ये सारी सॉइल है फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं गाइस। बेंटोनाइट के लिए क्या होती है? थोड़ा लेक्चर लंबा लगेगा लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है, ठीक है। बेंटोनाइट क्या होता है? तो बेंटोनाइट फ्रेंड क्या होती है? ये एक तरह की वॉल्केनिक ऐश होती है। क्या होती है? वॉल्केनिक ऐश। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां से ये बनती है और ये केमिकली वेदर्ड होती है। कैसी होती है? केमिकली वेदर्ड। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। किससे बनती है? ये केमिकली वेदर्ड सॉइल होती है, ठीक है। और इससे जो सॉइल बनेगी या लाइक दैट क्ले बनेगी या फिर सिल्ट बनेगी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अब लिखिए पांचवा पॉइंट, लिखिए टफ। टफ भी एक सॉइल होती है फ्रेंड, ठीक है, टफ भी एक सॉइल होती है। तो टफ ये कब बनेगी? टफ ये फ्रेंड कब बनेगी? जब आपका वॉल्केनिक ऐश जो होगा वो वन पॉइंट से जहां पे बनी टू अनदर पॉइंट, टू अनदर पॉइंट क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट बाय विंड, बाय वाटर, ठीक है, इज नोन एज टफ, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से, इवन आपको सारी सॉइल बता दी फ्रेंड, ठीक है। टफ क्या होती है, बेंटोनेट क्या होती है, ठीक है, बेंटोनेट अभी हम रिवीजन करेंगे पूरा, जितना हमने पढ़ लिया है उसका पूरे का रिवीजन होगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो अब लिखिए लोम। क्या लिखिए? लोम। तो लोम कौन सी सॉइल होती है भाई? तो देखिए लोम क्या होता है, इसमें फ्रेंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले। पहली बात तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, ठीक है। लगभग 80% पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर किसके पाए जाते हैं? किले के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? किले के पाए जाते हैं 80% पार्टिकल, ठीक है। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लोम के अंदर कितना परसेंट पार्टिकल किले का होता है, या फिर अब ये जो जो सॉइल होती है ये बेसिकली फ्रेंड इरीगेशन पर्पसेस के लिए बहुत बढ़िया सॉइल मानी जाती है। इरीगेशन पर्पस के लिए बेस्ट सॉइल है। कैसी सॉइल है? बेस्ट। क्यों बेस्ट है भाई? क्योंकि फ्रेंड इसके अंदर क्ले के पार्टिकल पाए गए हैं और क्ले की क्या होती है फ्रेंड? वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है क्ले की, वो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है फ्रेंड, ठीक है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो फ्रेंड इरीगेशन करना बार बार जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार इरीगेशन कर दो और उसके बाद पानी ही पानी उसमें मौजूद रहेगा सॉइल के अंदर, ठीक है। तो लोम जो सॉइल होती है वो बेसिकली इरीगेशन पर्पस के लिए बेस्ट मानी जाती है।
ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो वो लोम सॉइल बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, तो लगभग 80% पार्टिकल इसमें क्या होते हैं फ्रेंड, 80% पार्टिकल इसमें क्ले के पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां पे लोम पाई जाती है ना वो किसानों के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है, जहां पर लोम पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा टफ कौन सी होती है, बेंटोनाइट कौन सी होती है, लोम कौन सी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिविल इंजीनियर, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखिए फ्रेंड, नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूं बस वो लिख लीजिएगा, हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी, एक पॉइंट ये हो गया आपके लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लो बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए बस, गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स, ठीक है, गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स। कॉटन क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतर होती हैं, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेस्ट होती है, ठीक है। इस तरीके की सॉइल में पाइल फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, पाइल फाउंडेशन यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव पर्पसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो सॉइल पाई जाती है वो पाई जाती है एमपी और गुजरात के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन करें। तो पाइल फाउंडेशन कैसी होती है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डायग्राम बना के, पाइल फाउंडेशन कैसी होती है, देखिए फ्रेंड, इस तरीके से पाइल फाउंडेशन होती है, कैसी होती है, इसमें बल्ब प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए इस पर मान लीजिए लोड आया, ठीक है, इस पाइल फाउंडेशन पर लोड आया, तो अगर ये बल्ब नहीं होंगे तो ये पंच कर जाएगा, सॉइल के अंदर धस जाएगा। अब ये बल्ब देने की वजह से क्या हुआ फ्रेंड, बल्ब देने की वजह से क्या हुआ, बल्ब देने की वजह से सॉइल जो है वो इनके ऊपर एक फिलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो सेफ हो जाएगा। ये पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं इस तरीके की, इस तरीके की अगर मान लो आपको कहीं पर सॉइल मिल जाती है, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाती है, तो आपको पाइल फाउंडेशन यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर ये वाली जो पाइल होती है ना इसको तो फ्रेंड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर रिम्ड पाइल, क्या बोलते हैं इसको, अंडर
इसको क्या बोला जाता है, अंडर रिम्ड पाइल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अंडर रिम्ड पाइल। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड आवाज आवाज सब बढ़िया होगी, ठीक है। कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है जिसकी वजह से। चलिए तो मैंने पूरा बता दिया आपको क्या क्या होता है, ठीक है। अब एक लास्ट और लिख लीजिए आप, देखिए एक लास्ट सॉरी लिख लीजिए, टिल। टिल क्या होता है, ये इस बार एसएससी जेई 2018 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, टिल क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड टिल क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेवल्स सैंड सिल्ट एंड क्ले। किसका होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, इसमें ग्रेवल भी होता है, इसमें सैंड भी होती है, इसमें सिल्ट भी होती है, इसमें क्ले भी होती है, ठीक है। और फॉर्म्ड बाय ग्लेशियस, कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय ग्लेशियस, ठीक है, या फिर आइस। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टिल यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसलिए मैं ये करा दे रहा हूं। तो आज की क्लास को फ्रेंड यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और एस्टीमेट्स कॉस्टिंग के ज्वाइन हो जाइएगा, एस्टीमेट कॉस्टिंग, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, एस्टीमेट कॉस्टिंग से। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए आपके बने हुए हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड, ठीक है। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कल सुबह आना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार देख के देखिएगा, ठीक है। एस्टीमेट कॉस्टिंग की फ्रेंड जल्दी ही क्लास 2 आने वाली है, ठीक है, वहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है तो ज्वाइन हो जाइएगा, चलिए फ्रेंड, ओके, थैंक यू, यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा शेयर कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है, चलिए थैंक यू।